हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एमन फातिमा। थैंक यू सो मच मेरे इतने सारे सब्सक्राइब होने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड फॉर गिव मी द कमेंट व्हाट द न्यू टॉपिक व्यूअर्स दे वांट टू नो। सो उससे मेरा भी कभी कभी रिविज़न हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हम नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं। और कमेंट करते रहिए, कमेंट से कभी कभी ये होता है कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो फिर वो कवर अप हो जाते हैं या कुछ टॉपिक जो, क्योंकि एक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एजुकेशन सिस्टम में। तो जैसे कि डेफिनेशन है नर्सिंग का, नर्सिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो वी शुड कीप कंटिन्यूइंग। तो फॉर दैट पर्पज आई ऑल्सो मेड दिस चैनल। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप सबसे कम्युनिकेट करते हुए एंड आई डोंट लाइक एनी अदर सोशल मीडिया, सो आई रियली लाइक दिस यूट्यूब टू मेक द वीडियो एंड हाउ द पीपल आर सीइंग, हाउ द पीपल आर रिस्पॉन्डिंग एंड आई फील हैप्पी टू गिव माई नॉलेज टू द पीपल। वट एवर आई गेट फ्रॉम माई अकेडमिक टू द माई अकेडमिक क्वालिफिकेशन, माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, माई बी एस सी नर्सिंग, माई एम एस सी नर्सिंग एंड माई पी एच डी एंड द मोस्ट लर्निंग पार्ट ऑफ माई लाइफ कि हाउ टू ग्रो माई चाइल्ड। As I you all know, I'm the mother of two kids and the difference between two kids is very less. So how I am managing them, how I am coping with my problem, how I am managing my both kids and my job. So I really like to share, like we should not learn everything with the, my own experience or other experience. So we have to share so that people can get an idea. It might be helpful for other and they should not struggle the same as what I struggle or what I make the new strategies. So I really like the this way of the communication. तो आज का जो मेरा वीडियो है वो चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है कि हम अपने जो चाइल्ड है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर मटेरियल देंगे एजुकेशन के लिए, क्योंकि चाइल्ड को स्टार्टिंग से ही जो हम सिखाते हैं लाइक जो भी चीज़ है तो उसी चीज़ों को वो करते हैं। तो शुरू से ही अगर हम उनको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बताएंगे करेंगे तो वो उनके लिए बहुत अंडरस्टैंड होगा। तो आज मुझे ये जो है इनके स्ट्रक्चर टीचिंग मटेरियल की 5th किट रिसीव्ड हुई है और जो पिछली जो 2-3 किट्स थी वो मैंने आप लोग को पहले से ही इंट्रोड्यूस करा रखी है। तो ये 5th किट है और मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला है और इसको मैं आज आपके सामने ही अनबॉक्स करूँगी। तो अभी ये जो मेरी किट है ये अनबॉक्स हो गई है तो इसको मैं ओपन करती हूँ। ओपन हो गई है और इसको ओपन करने में और पूरे मंथ जो है रन करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी मैं इसको दिखाने वाली हूँ आप लोग को इसमें क्या क्या है। इस मंथ पिछली भी जो 2 मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें भी 2 अलग अलग थीम थी जो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। वीडियोस काफ़ी लाइक की गई और काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनली क्वेश्चन भी मुझसे राइज किए कि कैसा है, तो उन लोगों को काफ़ी पसंद आया, डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी पसंद आया। तो इसके बारे में देखिए, अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है इसको और ये पूरा जो है कंप्लीट बॉक्स ले ली है। तो इसमें जो सबसे पहले है जो फर्स्ट वन है आप लोग के सामने मैंने ओपन किया है तो इसके बारे पहले से मुझे नहीं पता, बस इसका जो स्ट्रक्चर्ड वे है तो ऑलरेडी आई नो कि 28 डेज का पूरा 30 डेज का कैलेंडर है और एक इसमें बुक होगी, कुछ फ्लैश कार्ड होंगे, कुछ एक्टिविटी होगी विद देयर ऑब्जेक्टिव। तो एक जो बुक है स्टोरी बुक ये देखिए इसमें, प्लस एज भी मेंशन है, ठीक है, स्टोरी बुक है जो मोर पिक्टोरियल है और इसी थीम के अराउंड रहेगा क्योंकि जो बच्चे का ये एज है वो मोर इमेजिनेशन है तो उनकी इमेजिनेशन जो है एक पॉइंट से दूसरे में तीसरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को इंक्रीज करना है एंड इट इज़ अ मोर पिक्टोरियल। तो ये है इसके साथ में जो है, अब मैं नेक्स्ट देखूँगी क्या क्या है। सरप्राइज, ओके, दे मेंशन सरप्राइज गिफ्ट इनसाइड, सो लेट्स सी व्हाट आर द सरप्राइज हियर। तो इसके जो नंबर्स हैं मैंने बताया था 5 नंबर्स हैं, 1, 2 सेकेंड वन, थर्ड एंड फोर्थ। और इसका जो वीडियो है वो मुझे पहले से प्री प्लान करके नहीं मज़ा आता है, मैं जब आप लोग के सामने खोली तो मुझे मज़ा आता है, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी द सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन ऑफ दैट। इसमें एज भी जो मेंशन है, तो कहने का यही मतलब है जो स्ट्रक्चर टीचिंग मटेरियल है ये जो प्लान चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में काफ़ी काम करते हैं।
और जैसे कि इसकी जो है वो थीम है फैमिली ना, तो इसी थीम के अकॉर्डिंग इसकी सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो बच्चों की इमेजिनेशन जो है वो एक थॉट से दूसरे थॉट से डेवलप होती रहेगी। तो इसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो फर्स्ट एक्टिविटी फ्लावर्स इन द गार्डन, तो इसको करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो यही सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं अदर टीचिंग मटेरियल में, अपने सब्जेक्ट मटेरियल में, कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करवाएं। तो इसमें क्या होगा, एक फ्लावर बनेगा एक, और उसमें हम जो साइज़ के फ्लावर है वही उसमें एडजस्ट करेंगे। और यही सारी टेक्निक्स जो है यहीं से आइडिया लेके मैं यूज़ करती हूँ अपने OBG टीचिंग में। लाइक मुझे सर्वाइकल डायलेटेशन पढ़ाना हो तो आई विल मेक द डिफरेंट डिफरेंट सेंटीमीटर्स ऑफ द डायलेशन और थिनिंग ऑफ द सर्विक्स लाइक इफेसमेंट इन द परसेंटेज। तो वेन एवर दे फील विद देयर ब्लाइंड फोल्डेड आई दे कैन इमेजिनरी फील वॉट दे कैन फील द इनसाइड। तो जो भी स्ट्रक्चर टीचिंग मटेरियल है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, उससे हमें टीचिंग लर्निंग में एक दूसरे को हेल्प मिलती है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी सेम यही है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। तो देखते हैं कि ये एक्टिविटी किस तरह काम करती है, फ्लावर इन द गार्डन, और कैसे जो है चाइल्ड का इमेजिनेशन थिंकिंग डेवलप होता है। क्योंकि चाइल्ड एक इमेजिनेशन बाउंड्री में रहता है, तो इसका जो थॉट होना चाहिए वो भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कभी टर्म सीखा, कभी फ्लावर बनाना सीखा, फिर फ्लावर को जोड़ना सीखा, फिर उनका लीव्स का आइडेंटिफिकेशन सीखा। तो इस तरह जो हमारा टीचिंग का स्ट्रेटजी है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो हम आसान से टफ की तरफ जाएंगे, इजी टू क्या नाम उसका, इजी टू टफ जाएंगे, उसके बाद में सिंगल टू मोर जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज, उन सारी स्ट्रेटजीज को हम कवर करेंगे। देखते हैं इसको कैसे हमें करना है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ लर्निंग। सो वी मेड दिस बॉक्स एंड दे विल पुट कि रोजेज किस में फिक्स होगा, टुलिप किस में फिक्स हो रहा है, लाइक दिस। देखिए सी देयर इज अ टुलिप एंड वन मोर टुलिप इज हेयर इन द नेक्स्ट डेजी, वन मोर डेजी इज हेयर। तो चाइल्ड विल आइडेंटिफाई और उसका साइकोमोटर डेवलप स्किल भी इम्प्रूव होगा। And this is the rose and one rose is here. So this is very nice activity and this activity we can use the other subject. So ये था हमारा किट वन, इसमें होता है फ्लावर इन द गार्डन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नंबर सेंस पता चलेगा, स्पेशल सेंस, वोकैबुलरी डेवलप होगी, मैचिंग डेवलप होगी और आइडेंटिफिकेशन डेवलप होगा। इसमें जो है वो कौन कौन सी स्किल डेवलप होगी इसके बारे में पता है पूरा, हमें किस तरह से इसको मेंटेन करना है। सबसे अच्छी मुझे इस किट की बात हमेशा यही लगती है कि ये जो है वो रीयूजबल है, अगेन एंड अगेन वी कैन रीयूज एंड वी कैन पैक इट। और इसका जो मटेरियल है वो ऑलवेज इट इज़ अ वेरी गुड सी इट इज़ अ वेरी गुड पेपर मटेरियल। और जो हमारी नेक्स्ट सेकेंड नंबर की किट है, इट इज़ ऑल्सो अ सरप्राइज, लेट्स सी व्हाट इज द इनसाइड। ओके, तो कुछ अनबॉक्सिंग होने की आवाज़ आ रही है। ओके, सो देयर आर सो मेनी कार्ड्स, सो लेट मी सी व्हाट इज दिस दिस टाइम। ओके, विगल स्पिन क्लैप। ओके, इसमें क्या है, बहुत सारे हेल्पफुल फिशेस हैं इसमें। और इसमें जो सीक्वेंसेस, ग्रॉस मोटर स्किल, स्पेशल सेंस, प्रो सोशल प्ले और नंबर सेंस के बारे में पता चलेगा किड्स को। और किड्स बहुत सारे बॉक्सेस बना के उसको क्रॉस करेंगे, तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, रीयूजबल एक्टिविटी है। इस तरह से ये जो है इसका मटेरियल भी मैंने बोला काफ़ी अच्छा है, इस तरह से बॉक्सेस बनाए ना गोना टू मेरिट, ताकि थोड़ा सा कुछ क्यूरियोसिटी बचे, इस तरह के बॉक्सेस बन जाएंगे। तो हमें बॉक्स बनाने के भी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आ सकते हैं और किस तरह से इसमें ये होल्ड करना है। तो काफ़ी अच्छा है, इजी है, सिंपल है, वर्किंग लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा है, हाउस वाइफ्स के लिए भी अच्छा है, टाइम सेविंग है एंड वी कैन इम्प्रूव द क्रिएटिविटी। इट्स नॉट लाइक कि हम इसमें किसी भी चीज़ को बाउंड नहीं कर सकते कि वी डोंट हैव पेन, वी जस्ट गो एंड ओपन द किट। इट्स नॉट, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, मोर आइडियाज डेवलप कर सकते हैं विद दिस मटेरियल एंड इसको अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं। अब जो तो जो नेक्स्ट किट है थर्ड किट, इट्स ऑल्सो अ सरप्राइज, लेट्स अनबॉक्स फॉर दिस। तो इस थर्ड किट में बहुत सारा मटेरियल्स है। नाउ द एक्टिविटी टाइम एंड दिस इज अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, देखते हैं क्या है, कुछ बिग बिग है। ओके, एक यहाँ पे ये बहुत सॉफ्ट कुछ
बर्ड्स का विंग लग रहा है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू सरप्राइज। ये है चिपकाने के लिए, तो पहले मैं ये देखूंगी इसमें क्या है। रेस्क्यूइंग थंबनेला को हमें बचाना है, तो इसमें फेदर स्टिक करना है, इस विंग्स के ऊपर फेदर स्टिकिंग करेंगे और ये एक्टिविटी होगी किड्स की। फेदर स्टिक करके ये देखेंगे कि किस तरह उसको फेदर्स को निकाल के स्टिक करना है। तो ये तो मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि स्टिकिंग खर रही है उज्जवल है, फिर भी कुछ सरप्राइज रहना चाहिए। कलरिंग है, एडजस्टिंग है, कार्ड्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें किस तरह विंग्स को डेवलप है। तो मैंने बोला पहले थॉट डेवलप करेंगे, थॉट के बाद उनकी इमेजिनेशन इंक्रीज होगी, इमेजिनेशन का डायरेक्शन डिसाइड होगा, डायरेक्शन के बाद में उनकी ग्रॉस मोटर साइको मोटर स्किल डेवलप होगी। तो ये थर्ड किट होगी। अब जो नेक्स्ट किट है वो है फोर और फिफ्थ किट, लेट्स सी द नेक्स्ट सरप्राइज। आई थिंक दिस मच मटेरियल इज मच इनफ फॉर अ मंथ फॉर योर किट। तो हमेशा की तरह जो ऐसे होता है इसमें, तो इस बार कुछ थोड़ा सा है। ओके वी है, वाओ दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट, ओके देयर इज़ नॉट एनी आयरन, ये एक मैग्नेट फ्रेम है और इसमें क्या करना है हमको, ये फिक्स करना है। क्या क्या इमेजिनेशन है, हील्स हैं तो बहुत सारी इसमें फ्लैश कार्ड है और ये मैग्नेट है, तो इट इज़ अ वेरी वैल्यू टू मनी। और इसके पीछे हमेशा जो फ्लैश कार्ड है, हम लोग एजुकेशन फील्ड नहीं पढ़ाते कि फ्लैश कार्ड के पीछे जो है क्या होता है। फ्लैश मतलब समथिंग कम एंड गो, सो फर्स्ट मेक मी एडजस्ट टू ऑल दिस। सो दिस टाइम अ डिफरेंट, एवरी टाइम दे आर गिविंग अ वेरी डिफरेंट वे। तो ये फ्लैश कार्ड्स हैं, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि फ्लैश कार्ड के बैग में कुछ लिख देते हैं तो हमें पर्टिकुलर कंफर्म है कि क्या हमें जो है वो वर्ड्स देने, क्या बोलना है उनके लिए। 2 to 3 years के लिए है, अ गार्डन, इस गार्डन के बारे में है और इसके बारे में क्या कंटेंट हो सकता है। तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर, तो वी डोंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा, वी कैन ऐड, दे ऑल्सो गिव इन सम ओपन एंडेड स्पेस। अ गार्डन इज यूजली एन आउटडोर स्पेस यूज टू ग्रो डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्री, तो दैट इज़ वेरी ट्रू। वी कैन ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन गार्डन, इज इसेंशियल टू वाटर एंड टेक केयर ऑफ द प्लांट टू मेंटेन द गार्डन। तो ठीक है, गार्डन को हमने दिखाया, गार्डन से थिंकिंग को डेवलप किया, उनका इमेजिनेशन डेवलप किया, वॉट इज पॉजिटिव वी कैन डू। एंड द नेक्स्ट इज स्प्रिंग वॉलनट। अ वॉलनट इज अ नट इन साइड अ हार्ड शेल। वॉलनट आर वेरी हेल्दी। वॉलनट आर द ओल्डेस्ट ट्री फूड नोन टू मैन। नेक्स्ट इज मोल, टॉड। तो इस तरह से बहुत सारे फ्लैश कार्ड है और ये क्या है, एक मैग्नेटिक है जिसके में हम ये फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं। तो इसको हम अपनी फ्रिज पे, सेफ अलमारी पे, वार्डरोब पे, कबर्ड पे, सब जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मेटल हो। और ये है कलर ड्राइंग एक्टिविटीज़, सो टी एंड एल, सो डब्ल्यू फॉर वर्ड, दे आर गिवेन लाइक जो इन्होंने वर्ड स्टार्ट किए, तो ये नहीं कि वन डे वी कैन टी विद द ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो दे वी यूज इट टेकिंग द पर्टिकुलर वर्ड लाइक एफ एंड टी, बी फॉर बटरफ्लाई, एफ फॉर फ्लावर, टी फॉर थंबनेला एंड एल फॉर लीव। तो ये सारे वर्ड भी हैं देखिए इसमें, तो ये बहुत अच्छा है। देन सेकेंड जो है वो डब्ल्यू फॉर वॉलनट, इसमें डब्ल्यू फॉर वॉलनट है। अब नाउ इसमें हमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं फ्लावर्स में, टॉड में, बर्ड्स में, ये देख सकते हैं डिफरेंसेस। देयर आर टू टॉड्स इन द स्टोरी, लेट फाइंड नंबर टू एंड कलर द सर्कल विद द नंबर ओनली। तो टू है, कौन से नंबर से कलर करना है। स्टार्टिंग में प्लांट्स दिखाया था, तो प्लांट्स को कलर करना है, दे रिमेंबर। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं, रोज था, रोज, जैस्मिन, सो बहुत सारे सभी प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है। द फ्रेंडली फिश, दे हैव टू कलर, दे इनक्रीज द वर्कशीट। जैसे जैसे इसका जो है किट का टाइम ज़्यादा होता है तो ये वर्कशीट जो है ज़्यादा हो गई है।
वॉट कम नेक्स्ट? तो ये था पूरा इस किट में, जो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर टीचिंग मटेरियल। आई रियली लाइक दिस फ्रेम, पिक्चर फ्रेम, वी कैन टीच देम लाइक दिस। कभी कभी हम उन्हें कंटेंट देके पिक्चर दिखा बनाने के लिए बोल सकते हैं, कभी पिक्चर दिखा के बोलने के लिए बोल सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंटरली किट काफ़ी समझ में आई है, और इसी तरह ऐसा नहीं कि आई एम रिकमेंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड, बट आई लाइक द वे ऑफ टीचिंग ओवर द मटेरियल वी आर गेटिंग अट्रैक्टिव कलर एंड डेफिनेटली शुड बी ड्यूरेबल एवरी टाइम, वी कुड नॉट गो फॉर द चीप वन और वी कैन गेट द इजी इज जैसा पेपर को भी एनीथिंग। तो सम टाइम जो है इसका हमें यूज़ भी होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन यूज़ इट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी, और पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए थे लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, तो काफ़ी पसंद किए गए, काफ़ी कमेंट भी किया, एंड दे आर वेटिंग फॉर द न्यू वीडियो, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, इट वाज ऑन द ट्रायल बेसिस। सो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, देखते भी रहिए, शेयर करते रहिए, और सबसे अच्छा जो मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ मेक द कमेंट, ठीक है? इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग द नेगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट, यू जस्ट कमेंट, यू गिव एज लाइक आई एम जस्ट ओपन द कैमरा एंड स्पीकिंग, दैट इज़ माई चॉइस, सो यू ऑल्सो गिव द कमेंट्स, यू ऑल्सो हैव राइट टू स्पीक अबाउट द वीडियो, दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, और इससे ना कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, बहुत लोगों की हेल्प हो रही है। इट्स नॉट लाइक कि एज लाइक द यूट्यूबर आई एम डूइंग द जस्ट मेक द वीडियो। मैंने भी जब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया 3-4 years बैक बिफोर द कोविड, तो इट वॉज नॉट माई रूटीन कि आई हैव टू मेक द वीडियो, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा अगर कोई भी वीडियो बना के या इमीडिएटली किसी को मुझे जो है कंटेंट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, ओपन करके मैंने किसी को शेयर कर दिया, क्योंकि एजुकेशन जो हमारा बेसिक एजुकेशन होकर होता है, एकेडमिक एजुकेशन अप्रॉक्स 12-14 years जो हम लोग लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन होता है 4 years आफ्टर बीटिंग द कॉम्पिटिशन फॉर द सच्चा यूनिवर्सिटीज लाइक जामिया हमदर्द, देन फॉर द मास्टर आई ऑल्सो बीट द कम्पटिशन। तो आई गिव ए लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस एजुकेशन, फॉर लर्निंग, फॉर माई वोकेबलरी, फॉर माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, एवरी थिंग। सो आई रियली लाइक टू शेयर द थिंग्स, आई रियली लाइक टू शेयर द थिंग, आई गेट द कमेंट इज ओके, सम टाइम इज माई बी गो निगेटिंग, माई मोरल इज ऑल्सो गोइंग टू डाउन, बट उससे मुझे क्या होता है अगेले कि मतलब दूसरा रास्ता ढूंढने का एक हिम्मत मिलती है कि अब इससे अच्छा क्या बनाऊं, ऐसा क्या करूं जो सबको बहुत अच्छा लगे और सबको लगे कि हाँ आई इन्वेस्टेड माई सो मेनी ईयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड गिविंग द एजुकेशन फ्रॉम द डे आई स्टार्टिंग माई प्रोफेशनल लाइफ, आई एम जस्ट इन द एजुकेशन फील्ड, नॉट लाइक सम टाइम इन द क्लिनिकल, सम टाइम इन अदर फील्ड। सो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2012, फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई इन्वेस्टेड माई मास्टर and then PhD. I'm into only the field of education, so I really like to share the thing. Thank you so much, and मेरी videos को like करते रहिए, child के development के लिए, पर्सनल लाइफ में जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, एवरी डे डे टू डे वी आर लाइक हाउ टू टेक द टेम्परेचर, हाउ टू टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, हाउ टू डू द हैंड वॉशिंग, हाउ टू यूज द PPE, हाउ टू वियर एंड रिमूव द मास्क इन द पब्लिक एरिया। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो जो हम एक दूसरे को देख के करते हैं, कॉपी करते हैं, इट्स नॉट द फैशन, इट शुड बी अ साइंटिफिक, वट एवर वी आर डूइंग इट शुड बी साइंटिफिक, उसका जो साइंटिफिक पर्पज है वो अचीव होना चाहिए। सो आप लोग किससे कम्युनिकेट करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सब्सक्रिप्शन होता है, एजुकेशन के लिए कम होता है, इससे थोड़ा मोरल डाउन होता है, तो अच्छा लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, दैट मीन्स पीपल वॉन्ट टू बी एजुकेटेड बाई द वीडियो एंड दे लाइक टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। थैंक यू सो मच।